यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीडीएस का। देखिए क्या है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x माइनस y माइनस जेड जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हैं, देखिए कितना बेसिक बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। आपको यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर फॉर्मूला याद है तो विद इन अ सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। अब देखिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मानिए तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। इनको जब आप ऐड करेंगे, कई काम मेंटली करना जरूरी होता है, जब भी आपके स्कोर्स आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पोर्शन जीरो। अब 3 × ये बचा, यही तीनों फैक्टर ये भी नीचे दिए तो दोनों कैंसिल हो गए, तो करेक्ट आंसर विल बी 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि क्या, इफ ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन व्हाट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। एक्चुअल में बी स्क्वायर अगर ए सी के इक्वल दिया है तो लॉजिकली ए बी सी जी पी में ये आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा हुआ पोर्शन है। अब a पावर x इक्वल टू b पावर y प्लस इक्वल टू c पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन 1 अपॉन x 1 अपॉन y, तो इसका आंसर आप याद रखिए आपने करा हुआ है 2 अपॉन y आता है। कैसे वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहां पर आपको एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है, इक्वल टू ले लो k, तो इसको इससे इक्वेट किया तो a इक्वल टू k पावर 1 बाय x, b इक्वल टू k पावर 1 अपॉन y, c इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z, a पावर m इक्वल टू n हो या b हो तो a इक्वल टू होता है b की पावर 1 बाय m। अब b स्क्वायर इक्वल टू ac में ये वैल्यू डाल दें आप तो k की पावर 2 अपॉन y इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x इंटू k की पावर 1 अपॉन z, एंड रिमेंबर a पावर n हो तो a पावर m प्लस n। इस मीन्स कि k पावर 2 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल ही होंगी, यही आपसे पूछा गया था। यानी ये एचपी में आता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। और कभी भी किसी क्वेश्चन को देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले वो क्वेश्चन करो जो फेवरेबल है, सिंपल है, देन उन पे जाओ जो कि आपको टाइम लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये इनइक्वलिटीज पड़ी हुई है, इसके फैक्टर 12 है, 4 × 3 जाए यानी x माइनस 3 एक्स माइनस 4 दिस इज ग्रेटर देन 0, रूट रियल लाइन पर अरेंज करिए, इनइक्वलिटीज में कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन ऑफ 4 टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसा भी बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन ऑफ और करके 4 टू इन्फिनिटी। राइट, तो डी जो है वो इसी फॉर्म में दिया है आंसर, तो दिस इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। क्या है, इफ टेन एक्स इक्वल टू 1 0 से 1 के बीच 90 के बीच में अगर 10x 1 है तो ऑब्वियसली x पाई बाई 4 या 45 डिग्री होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन x cos x पूछा है। सिंपल, 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 दिस इज 1, तो करेक्ट आंसर विल बी 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 46 cos 44 प्लस cos 46 साइन 44 मीन्स 1, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी हो गया तो साइन 90 कितना 1। आपको यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना था बेसिक, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इतना कंसेप्ट क्लियर रखो कि एक एक स्टेप में क्वेश्चन हो। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, सपोज थीटा की वैल्यू है 0 to 90 degree, देन फॉर एवरी थीटा आपसे पूछा है 4 sin² θ + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। देखिएगा सबसे पहले समझिएगा कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 ही है, अब बोला है देन फॉर एवरी थीटा 4 sin² θ + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कुछ ऑप्शन इस तरह के दिए हैं 2 4 sin θ 4 cos θ एंड डी इज 4 tan θ। राइट, अब आपको यह पता है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 है तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो आप एक कोई भी वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने थीटा की वैल्यू 45 ली तो आपने यहां रखा 45, साइन 45 होता है 1/√2, राइट, और उसका स्क्वायर हो गया तो 1/2,
प्लस वन, और जरूरी नहीं है 45 लें, कुछ और भी ले सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस वन आ गया 3। किससे ग्रेटर होगा? अब यहां पर अगर यही वैल्यू में रख देता तो देखिए क्या आता, 4 इंटू 1 बाय रूट 2 यानी 2 रूट 2, इससे नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, तो किससे ग्रेटर है? 2 से ग्रेटर देन है, राइट। क्वेश्चन को समझिए आप कि देन फॉर एवरी थीटा, फॉर कोई भी वैल्यू ले लो, आप मान लो 30 लेते सपोज थोड़ी देर के लिए, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1, ये मिलता 2। अब 2 ग्रेटर देन 2 तो होता ही, क्योंकि इससे ग्रेटर देन बोला है, कि बोला ना इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू भी हो सकता, पर आप यहां साइन 30 लिखते तो कितना मिलता, आप यहां साइन 30 लिखते तो 2 मिलता, वहां पर रखते तो आपको रूट 3/2 मिलता, राइट, और यहां पर रखते 30 डिग्री तो कितना मिलता, रूट 3 मिलता। तो आपको यह बताना है कि कब ये ग्रेटर होगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत किए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89, इसका आंसर हमेशा आपको पता है 1, क्योंकि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा का पेयर हमेशा 1 होता है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू cot थीटा वेयर थीटा 0 to π/2 है, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो सिंपल है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर पाई बाई थ्री रख दो यहां पर मान लो, तो 10π/3 होता है रूट 3, और यहां पर होगा ये इक्वल नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन देख के बताना है, π/6, π/4, π/3 and π/2, तो π/2 तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता, तो देखिए आप सबसे पहले इसमें रखिए π/6, तो अगर π/6 रखेंगे तो 1/√3, यहां π/6 रखा तो √3, दिस इज √3, तो करेक्ट आंसर इज π/6, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, दिस इज कितना, ऑब्वियसली 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये एक्चुअल में आप इसे लिख सकते थे साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर 25, तो उससे मिल जाता आपको 1, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बोला है कि क्या वैल्यू होगी, सिंपल है, आपको मैंने बताया हुआ साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा को ए क्यूब का स्क्वायर प्लस बी क्यूब के स्क्वायर से जब हम खोल के लिखते थे तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलता था, तो ये हो गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके आगे प्लस लिखा तो कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रियल नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सेक अल्फा इक्वल टू 1/4, टेन बीटा इक्वल टू 20, कॉसेक गामा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस डेल्टा इक्वल टू 2, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल? ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि sec की नहीं, cosec की, cos की होती है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल? 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।